So, hello friends, a very warm welcome to my channel Life with Jayati and a very warm happy new year to all of you. Mere saath kuch din se kuch naye dost aur bhi jure hain. Thanks to subscribe my channel. तो उनके उनको भी मैं अपने तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर तो मैंने इस व्लॉग के लिए मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उसको पहले ही बोल दें, लेकिन आप सभी को बहुत बड़ा स्वागत है मेरी चैनल में, जो भी अभी मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं, तो ऐसे ही जुड़े रहिए और मुझे प्यार देते रहिए. तो आज क्या करने वाली हूँ मैं वो आपसे शेयर करती हूँ. यूजुअली तो मेरी व्लॉग बंगाली में होती है, एक्सेप्ट जो डेकोर वाला व्लॉग होता है. डेकोर व्लॉग मैं हिंदी में करती हूँ ताकि मैं और सारे फ्रेंड्स के पास पहुँच जाऊँ इसी तरह. तो आई होप मेरे डेकोर जो वीडियोस होते हैं वो आप इंजॉय कर रहे हैं. आपको कैसा लग रहा है वो फीडबैक मुझे चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक बटन भी दबाइए. तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं एक DIY दिखाने वाली हूँ, जो कि एक जस्ट डिस्कर्ट किया हुआ एक चीज़ जो है, जो कि चॉपिंग बोर्ड है, उससे मैं एक चीज़ बनाने वाली हूँ. किचन में यूजुअली आजकल हम लोग बहुत सारे बोर्ड्स लगाते हैं, मम्मास किचन या ऐसे कुछ बोर्ड लगाते रहते हैं, तो ये वाली मुझे भी कहीं शौक था कि मैं भी करूँ ये सब. मैं अपने किचन को थोड़ा सा मेकओवर देने वाली हूँ, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मुझे बनानी पड़ रही है, तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वो एक डेकोपाज का एक DIY है, तो कैसे करती हूँ मैं वो मैं आपसे वीडियो में ही शेयर करूँगी. तो चलिए, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. तो डेकोपेज करने के लिए मैंने नीचे पहले एक न्यूज़पेपर रखी हुई है ताकि वो गंदा ना हो नीचे, और जो चॉपिंग बोर्ड है उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है गीली कपड़े से. बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छे हैं डेकोपेज पेपर, ये क्राफ्ट शॉप में मिल जाते हैं, उसे आप ख़रीद सकते हैं. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और ये है मॉच पॉज और ये चॉक पेंट्स, इसके वजह आप एक्रिलिक पेन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे. मैंने चॉक पेन मेरे पास था तो वही मैंने यूज़ किया. और लिया है मैंने नाइफ, सीजर्स एंड ब्रशेस, कलर ब्रशेस, कलर पैलेट एंड वाटर ले लिया है ऑफ़ कोर्स. और ये कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स है, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं. तो ये पहले जो डेकोपेज पेपर जो है इसको मैं ठीक तरीके से इसका लेआउट डिज़ाइन करूँगी. मैं दो डेकोपेज पेपर से काट के यूज़ करने वाली हूँ, उसमें एक नेचुरल सा लुक आता है. अब पानी में ब्रश को अच्छे से भिगो के उसके साइड से जितना पोर्शन आपको चाहिए वो उसके साइड पे आप लगा लीजिए, और हाथ से धीरे धीरे उसको, ये बहुत सॉफ्ट होता है पेपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप साइड से उसको अच्छे से ऐसे फाड़ लीजिए. तो क्या होता है, तो जो बॉर्डर है वो अनहिबन रहता है, जो कि एक बहुत नेचुरल इफ़ेक्ट लाता है डेकोपेज में. तो ऐसे करके मैंने और भी जितने सारे कोलाज टाइप की करनी है मुझे डिफरेंट दो पेपर से, तो वो मैंने ऐसे ही जो प्रोसेस है उससे मैंने काट ली है. आप अब देख सकते हैं मैंने अभी एक जगह पे ऐसे करके सेट किया है, तो कैसे दिखेंगे ये आपको पहले वो लेआउट डिज़ाइन करना है. अभी मैं कलर कर रही हूँ, तो मैं ये वाला कलर लिया है, मुझे ये कलर पसंद है, मेरे किचन के हिसाब से ये कलर जाएंगे, तो इसको ये चॉक पेंट से मैंने इसको कलर कर लिया है. अब इसको मैंने अच्छे से सुखा भी लिया है कुछ देर के लिए. अब इसके ऊपर मैं मॉच पॉज अप्लाई करूँगी, उसके बाद इसके ऊपर वो जो डेकोपेज पेपर है उसको धीरे से मैं उसमें चिपका दूँगी. तो ये मैंने कर लिया है पूरा फुल पोर्शन. इसके बाद मैं इसके ऊपर जहाँ जहाँ मैंने सोची थी तो वहाँ वहाँ ये डेकोपेज पेपर उसको चिपका रही हूँ. डेकोपेज पेपर बहुत ध्यान से चिपकाना है, क्योंकि इसमें रिंकल्स आ जाता है, इसीलिए अगर आप बिगिनर्स हो
तो आप डेकोपाज जो पेपर है उससे ही कीजिए, इससे भी अच्छा सा लुक आता है। इसको मैंने चिपका के बीच में से ऐसे अच्छे से पकड़ के साइड से आप देख सकते हैं धीरे धीरे स्प्रेड कर रही हूँ। और अच्छे से मौज पौज लगाना है ताकि कहीं भी पोर्शन ऐसे उठ के ना रहे, तो आपका फिनिश अच्छा नहीं आएगा। आप अगर नैपकिन डेकोपाज नैपकिन से भी कर सकते हैं, जो पेपर नैपकिन्स मिलते हैं, लेकिन उसमें क्रीस आ जाता है। तो अगर आप बहुत प्रोफेशनल नहीं हैं तो वो ट्राई मत कीजिए, चीज़ ख़राब हो जाएंगे। तो पहले आप इससे ही शुरू कर दीजिए। तो अब इसके ऊपर जब फ़ोटो मैंने लगा दिया है डेकोपाज पेपर के ऊपर, इसके ऊपर फिर मैं मॉच पॉच अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इससे ये जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव करने के लिए जो फ्लावर्स मैंने आपको दिखाए थे, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स, उसको मैंने सोचा कि यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी ये जो मौज पौज है ये सूखा नहीं है, तो इसके ऊपर ही मैं ये अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो अच्छा लगे देखने में और अलग से मुझे कोई ग्लू यूज़ ना करने पड़े। तो वैसे मैंने वो आपके हिसाब से आप यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन देखिए, लेकिन ये करने से बहुत सुंदर भी लगता है। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी ये बीच बीच में जो भी पोर्शन बाकी है यहाँ में भी मैं कलर भर दूँगी। अब मैं एक दूसरा और कलर ले रही हूँ, इसको मैं इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखो पर जो है वो आपकी जो होता है इसका कोई अलग सा वो नहीं होता है, कोई रूल्स नहीं होता है, इसको आपके आँख के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा लुक देने के लिए अच्छे से मिक्सिंग, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं जगह खाली है कुछ भी पोर्शन। जैसे मैंने, आप देख सकते कि ये साइड में भी मैं अच्छे से कलर कर रही हूँ ताकि कोई भी पोर्शन खाली ना लगे और ऐसा लगे कि जो फ़ोटो, जो डेकोपाज पेपर है वो जस्ट उसमें ड्रॉ किया हुआ है, वो अलग नहीं दिखना चाहिए। तो नेचुरल लुक देने के लिए आप दो तीन कलर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वन कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हो। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, कर लिया है। अभी मुझे लग रहा है कुछ फ्लावर्स और भी मैं लगा सकती हूँ, तो वो मैं जो फेविक्विक है उससे और भी कुछ फ्लावर्स लगा रही हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा लुक हुआ है फ्लावर्स लगाना कंप्लीट होने के बाद। अब मैं ये एक क्रेयॉन लिया है, तो मुझे, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं जैसे जितना हो चुका था, लेकिन मुझे इसमें कुछ एक रस्टिक सा लुक देना है, कुछ ओल्ड लुक देना है, तो उसी लिए मैंने ऐसे ब्राउन कलर का एक क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ। डिफरेंट जगह में मैं इसमें इसको दूँगी कि ताकि ये थोड़ा सा पुराना लगे। इसका यही खासियत है, ये देखने में थोड़ा सा ओल्ड एंटिक लगना चाहिए, नहीं तो अगर आप नहीं चाहते तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो ऐसे करके आप क्रेयॉन ऐसे लगा के फिर थंब के सहारे उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ फिंगर्स से। तो एक रस्टिक सा लुक आएगा, ऐसा लगेगा कि ये पुराना एक जगह है, उसीलिए कुछ कुछ पोर्शन ऐसे ब्राउन सा दिख रहा है। डेकोरेशन तो अभी कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये मैं किचन में रखने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मौज पौज की और एक कोटिंग मैं उड के ऊपर भी दे दूँ, ताकि मैं अगर ज़रूरत पड़े इसको अच्छे से साफ़ कर सकती हूँ। और मौज पौज देने से क्या होता है, वो एक ग्लॉसी सा इफ़ेक्ट देता है, तो जो कि आप अगर किचन या ऐसे कुछ जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे क्रीज हो सकते हैं, वो वहाँ पे उतना नहीं बैठेंगे। उसीलिए मैं जो वुडन पोर्शन है वहाँ पे भी मौज पौज फिर से लगा रही हूँ, और इसको सुखाने के बाद ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये कैसे हो जा रहा है। तो देखिए ये मेरा
कम्प्लीटली तैयार हो गया है, ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, और वेट कीजिए और भी मैं काफ़ी सारे डेकोर वीडियो लेके आपके पास आऊँगी। तो तब तक के लिए मेरा बाकी जितने भी वीडियोज़ है वो आप इन्जॉय कीजिए। तो आपसे विदा ले रही हूँ, बाय।